तो फाइनली हम बैठ चुके हैं मेट्रो में और आज सीट भी मिल गई है, वरना तो काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ से थोड़ा सही है, चलते हैं करोल बाग। तो यहाँ से लेने हैं हमको अपने शॉप के लिए टेम्पर्ड ग्लास। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। तो सभी छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा पहला प्रणाम। तो गाइस, अभी बच रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो गाइस, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ और आज मुझे जाना है गफ्फार मार्केट अपने शॉप के लिए सामान खरीदने के लिए। तो आज वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि गफ्फार मार्केट से कैसे सामान खरीदे। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल निबी ब्लॉग्स पे। तो फाइनली गाइस, हम निकल चुके हैं घर से। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के पास। और अभी हम स्कूटी इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मेट्रो से जाएंगे क्योंकि सामान भी ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे और ये चलते आगे। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 59 वही। यहाँ से लेंगे हम अब टोकन। तो इस टोकन हमने ले लिए हैं और अब चलते हैं ऊपर। मेट्रो भी आ चुकी है और चलते हैं, हमको जाना है करोल बाग। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं मेट्रो में और आज सीट भी मिल गई है, वरना तो काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ से थोड़ा सही है, चलते हैं करोल बाग। तो गाइस, हम लोगों को नोएडा सेक्टर 59 से जाना है सीधे करोल बाग, जहाँ गफ्फार मार्केट पड़ती है। फाइनली गाइस, एक घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे अभी। तो अब करते हैं एग्ज़िट, उसके बाद चलते हैं गफ्फार मार्केट। तो गाइस, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और अभी बज रहा है 12:15। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन से और अब यहाँ से लेते हैं रिक्शा और निकलते हैं गफ्फार को। दीदी का कहना है कि हम पैदल पैदल जाएंगे, तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं आज हम, रिक्शा नहीं ले रहे क्योंकि वो भी 30-40 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे। हैं यार, सब कुछ मिल रहा है। ये है यहाँ की मार्केट करोल बाग की। वैसे ये है करोल बाग की स्ट्रीट मार्केट। सौ रुपये, 150 रुपये सेल में कपड़े मिल रहे हैं, 250 रुपये में स्वेटर देख रहे हैं, 150 रुपये में स्वेटर, 300 रुपये की जैकेट। तो जिसको भी शॉपिंग करनी है वो यहाँ आ सकता है, काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, देख सकते हो 250 रुपये में। और देखिए इयररिंग्स, खाने की चीज़ें। साइड है शोरूम, जिसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी में चाहिए वो यहाँ जा सकता है।
बाकी जिसको सस्ता चाहिए वो इस साइड ले सकता है। बंदे में गए तब हम पैदल चलते चलते पहुंच चुके हैं गफ्फार मार्केट तक। तो गाइस बाहर से बैग वगैरह हमने ले लिए हैं और अब हमने अंदर से लेने हैं टेम्पर्ड ग्लास वगैरह और सामान। और काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से हम हर बार टेम्पर्ड ग्लास ले रहे हैं इस भैया की दुकान से। यहाँ से तो ले लिया मैंने टेम्पर्ड ग्लास वगैरह। अभी आते हैं आगे। हेलो भैया कैसे हो। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे वाले भैया की दुकान में। यहाँ पर हमें सारा सामान मिल जाता है, चार्जर, डाटा केबल, हेडफोन्स और कार्ड वगैरह सब कुछ, मतलब फ़ोन की जितनी सारी एसेसरीज होती है वो ये भैया की दुकान से लेते हैं हम। सामान लगा रखा है सामान ले लिया हमने और बहुत अच्छे हैं। मैं किसी भीड़ में उठाना पड़ रहा है।